हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप धन कंपनी में अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में किस तरीके से खोल सकते हैं और आपको धन में अपना डीमैट अकाउंट क्यों ओपन करना चाहिए, धन में डीमैट अकाउंट ओपन करने के क्या बेनिफिट है। तो इस पर मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है, तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप बेनिफिट को जान सकते हैं। और अगर आपको धन में डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आपका फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा और धन में डीमैट अकाउंट ओपन करने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूँ कि आप धन में बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, डीमैट अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप जानते हैं, चलते हैं अभी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों जब आप इसमें अपना अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस कंप्लीट कर दोगे तो तुरंत ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसमें 24 घंटे या फिर 48 घंटे के लिए वेरिफिकेशन में नहीं जाता। तो आप लिंक पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से मेरा नाम आएगा, ओपन माय इन्वेस्टमेंट अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सीधा रीडायरेक्ट करेगा प्ले स्टोर पर। वहाँ से आपको धन ऐप इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद आपको ओपन करना है। ओपन करने के लिए इस तरीके से आएगा, तो आप इनको स्क्रॉल करके पढ़ भी सकते हैं। अदरवाइज स्टार्ट इन्वेस्टिंग विथ धन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद परमिशन पूछेगा तो आप इसको अलाउ कर देंगे। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जिस मोबाइल नंबर को आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं धन एप्लीकेशन से। प्रोसीड एड पर क्लिक करेंगे तो जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर OTP गया है, वो OTP आपको इधर डाल देना है। दोबारा से आपको प्रोसीड एड कर देना है। उसके बाद आपको अपना जीमेल आईडी डालना है, प्रोसीड एड करना है। जीमेल आईडी डाला है उस पर OTP आपको रिसीव होगा, तो वो OTP देख के आपको यहाँ पर डालना है। तो आप अपना जीमेल आईडी लॉगिन करके देख लेना, OTP देख के डाल देना, उसके बाद आप इसको प्रोसीड अहीड करना। तो इधर आपको एक पिन सेट करना है, तो ये आपसे लॉगिन के टाइम पर मांगा जाया करेगा। तो आप इधर अपना एक पिन सेट कर सकती हैं अपने अकॉर्डिंग, आप अपना कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको नंबर अच्छा लगता है। उसके बाद आप प्रोसीड ऐड करेंगे तो इधर सेटअप आईडी फॉर धन, मतलब कि जब आप इसको लॉगिन करोगे ना तो आप इसको अपना पेस दिखा के लॉगिन कर सकते हैं। तो स्किप फॉर नाउ आप इसको कर सकते हैं या फिर अपना फ़ोटो भी लगा सकते हैं। फिनिश KYC ऑनबोर्डिंग प्रोसेस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको आगे लेके जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का फ़ोटो अपलोड कर लेना है। आप इसको गैलरी में से भी अपलोड कर सकते हैं और आप अगर इसका लाइव फ़ोटो खींचना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गैलरी में ही इसका लाइव फ़ोटो खींच लेता हूँ। तो यहाँ पर कैमरा की जो परमिशन मांग रहा था तो उसको मैंने ऑन किया, उसके बाद मैंने अपना आधार कार्ड सामने अड़ा दिया तो आधार कार्ड का फ़ोटो क्लिक हो गया। उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ और पैन कार्ड का नंबर, मैंने आधार कार्ड बोला शायद पीछे, सॉरी अब पैन कार्ड बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पैन कार्ड का नंबर और डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद आपको बॉक्स पर राइट लगाना है और प्रोसीड अहीड करना है। तो ये नेक्स्ट स्टेप आएगा, यहाँ पर आपको अपनी सेल्फी लेनी है, चश्मा वगैरह नहीं लगाना है, ऐसे यहाँ पर जानकारी दी गई थी। तो इधर आपको सिंपल एक सेल्फी ले लेनी है। उसके बाद आगे जाएगा तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर करनी है। सिग्नेचर आप मोबाइल की स्क्रीन पर भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास फ़ोटो है तो आप फ़ोटो वे गैलरी में से ले सकते हैं या फिर आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी स्क्रीन पर ही सिग्नेचर कर देता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप सिग्नेचर कर देंगे, उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे। अदरवाइज आप दोबारा से भी सिग्नेचर कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको प्रोसीड अहीड करेंगे। उसके बाद इधर आपको डिक्लेरेशन फॉर अकाउंट के लिए कुछ जानकारी देनी होगी, जैसे कि आप कितना कमाते हो, ठीक है, कहाँ पर काम करते हो, ट्रेडिंग करने का कुछ एक्सपीरियंस है या फिर नहीं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। इधर ये जितने भी इधर दिया ना मैंडेटरी डिक्लेरेशन, तो ये जितने भी ऑन है आपको वही रहने देना और आपको आगे बढ़ना है। तो इधर अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना चाहती हैं तो आप इधर अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा, अदरवाइज आप नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकती हैं, आई विल एक्टिवेट एफ एंड ओ ट्रेडिंग ऑन धन लेटर, मतलब कि मैं इसको बाद में एक्टिवेट कर लूँगा। तो आप कोई सा भी इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकती हैं। उसके बाद आपको इधर अपनी बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करनी है, तो आप इसमें अपना पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट भी यूज कर सकती हैं। तो इधर आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो चुका है, साथ ही आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपये पहुँच गया होगा वेरीफाई करने के लिए कि हाँ अभी आपका बैंक अकाउंट एक्टिवेट है। उसके बाद ये ई साइन विथ आधार के लिए यहाँ पर ये फॉर्म आया हुआ है, इसमें अभी तक आपने जो भी जानकारी दी हुई है तो वो इसमें सब फिल है। इसके बाद आपको इसमें राइट पर क्लिक करना है और आपको प्रोसीड अहीड करना है। तो ये आपको NSDL के वेबसाइट पर ले जाएगा, यहाँ पर आपको ई साइन करना है। तो ई साइन के लिए आप बॉक्स पर टिक करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए, उसके बाद अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद इसमें आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको देखे और
और यहाँ पर आपको डाल देना है। OTP डालने के बाद आप वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे तो ये OTP आपका सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि आपका ई साइन सक्सेसफुली हो गया है। अब इधर आपको लॉगिन करने के लिए अपना एक पासवर्ड सेट करना है, तो आप इधर अपना पासवर्ड जो भी सेट कर सकते हैं, करना चाहें कर सकते हैं, जो आपको नंबर प्यारा लगता है या फिर अच्छा लगता है। तो इधर आपको ABCD ठीक है कैपिटल या फिर स्मॉल में भी यूज करना है, मतलब कि पासवर्ड आपको थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना है। स्ट्रांग पासवर्ड बनाने के बाद आप प्रोसीड अहेड पर क्लिक करेंगे तो अभी आपका पासवर्ड बनके रेडी हो चुका है, आप ऐप में लॉगिन भी हो गए हैं। साथ ही आप इधर इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसमें अपनी वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं, अभी आप ऐप में लॉगिन हैं। लेकिन अगर आप कोई भी शेयर खरीदना चाहते हैं तो अभी आप ना खरीदें, थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि अभी जो आपका अकाउंट है तो आप इसमें लॉगिन तो हो चुके हो लेकिन यह अभी एक्सचेंज से रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा आप वेट करें उसके बाद आप। तो दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है धन ऐप के बारे में। यहाँ से आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग या फिर क्या कर सकते हैं इसके थ्रू रेफर एंड अर्न करके भी पैसा कमा सकते हैं। रेफर एंड अर्न अगर आप इसमें करते हैं तो इधर आपको बेनिफिट मिलता है, आपको जो भी आपने जिस भी फ्रेंड को रेफर किया है अगर वो ट्रेड करता है तो उसका जो ब्रोकरेज है तो वो आपको मिलेगा 20%, जो कि दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर वो पूरी साल ट्रेड करता है। तो यहाँ से आपको पैसा आता ही रहेगा, जो कि लाइफ टाइम आएगा उसका ब्रोकरेज 20%। तो दोस्तों जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में, अपना अकाउंट ओपन करिए और पैसा कमाना स्टार्ट करिए ट्रेडिंग के थ्रू या फिर रेफर के थ्रू। इस वीडियो में बस इतना ही था, ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।